हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का, जो 10 अक्टूबर से जो आप लोग का सीरीज एक स्टार्ट हुआ है फास्ट ट्रैक सीरीज में, मैं आप लोग को 120 डे के लिए डेली का डेली क्वेश्चन कराने का ये प्रोसेस चल रहा है। आइए, फर्स्ट दिन मेरा कंप्लीट हो चुका था, ये दूसरा दिन मेरा होगा। ये मेरा कौन सा दिन होगा? सेकेंड डे, दूसरा दिन, 120 दिन का दूसरा दिन आज होने जा रहा है। दूसरे दिन में हम पहले 1 से 10 तक के क्वेश्चन हम फर्स्ट डे में कराते गए थे 5.1 का, आज देखिए हम कराएंगे 11 से 15, 20 तक के क्वेश्चन को, देखते हैं कहां तक के क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं और 10 क्वेश्चन के साथ यहां पे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन, इसमें बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, किस पे कॉन्टिन्यूटी हमें चेंज करना है, तो ये दो पे चेक करना होगा ना। तो बताइए इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे भाई, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लोगों के पास शेयर करो, और मुझे पूरा पता है कि 120 दिन के बाद जब तुम उभर के आओगे ना तो तुम्हारे पास 1200 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो और क्वेश्चन पे आओ। बोलो जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले सॉल्यूशन, किस पे पहले हम चेक करेंगे, तो x इक्वल 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे, फिर 2 से बड़े पे यानी 2 प्लस पे, फिर 2 माइनस पे, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पे ही चेक करके हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। बोलो तो जब यस इक्वल टू, यानी जब 2 के बराबर हो, 2 से छोटा हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है। तो बोलो जब 2 के इक्वल हो तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स के क्यू माइनस 3, एक्स के क्यू माइनस 3 हो जा रहा है। तो बोलो तो फंक्शन, अब इसके जगह पे 2 रखे हो तो 2 2 जा 2 का क्यू माइनस 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, हाँ जी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3, यानी यहाँ पे क्या आ गया 5, यानी F2 तुम्हारा क्या आ गया 5 आ गया। यदि हम फिर लिमिट फॉर्म में लें, यदि 2 से क्या 2 माइनस लेते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे fx 2 के क्या है 2 से कम, और जब 2 से कम हो तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगा फर्स्ट में। तो बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे जब 2 माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का q माइनस 3, यानी यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 5। इसी तरह से हम चेक करते हैं फिर से 2 प्लस पे, यानी लिमिट, देखो यार इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ठीक है। अब बताओ 2 प्लस पे, बोलो क्या होगा, जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, बोलो क्या होगा यहाँ पे, तो 2 की रखो 2 2 जा 4 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5। तुम देख पा रहे होगे कि तीनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो फंक्शन fx इक्वल टू, और लिमिट जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी आप देख क्या पा रहे हो, यहाँ पे सभी के सभी लिमिट क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब। तो क्या लिखेंगे, सो इट्स एफ एक्स, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 8 x इक्वल टू 2 पे, कॉन्टिन्यूअस होगा 8 x इक्वल टू 2 पे, ओके। अब यार हम सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला, बोलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड वाला, सेकंड वाला जब क्वेश्चन तुम लोगे 12 वाला, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जवाब 12, यहाँ पे हम ले रहे हैं 12, क्या दिया है मेरा फंक्शन fx इक्वल टू x के पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल देन 1, x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1। बताओ
जब x इक्वल टू हम 1 पे चेक करेंगे, जब 1 पे चेक करेंगे तो 1 के बराबर होगा और इक्वल होगा। जब जब भी 1 के बराबर और इक्वल हुआ तुम यहां दोबारा करना, ऐसा नहीं कि इसी में करेक्शन कर लेना, कभी नहीं। बोलो x के बराबर और इक्वल हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसको दे रहा है, x के पावर 10 माइनस 1 को। अरे देख लो यार, अब बताओ, बोलो। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, x 1 रखोगे तो 1 के पावर 10 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0। अब जब तुम्हारा, बोलो, जब तुम्हारा 1 से छोटा होगा यानी यहाँ पे हम लिमिट क्या ले रहे होंगे, लिमिट यहाँ पे क्या आप लीजिएगा, बोलिए, लिमिट यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, लिमिट यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, लिमिट जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बातें आएगी तो 1 माइनस, बोलिए 1 माइनस, और जब 1 माइनस होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू यानी 1 से छोटा किसमें जाएगा, यहाँ पे x के पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बताइए 1 प्लस ले रहे हैं यानी 1 से बड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, बोलिए, 1 से जब आप बड़ा लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है यार, तुम्हारा x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और यहाँ पे तुम देखोगे कि 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तुम देख क्या पा रहे हो कि 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है, जबकि जो फंक्शन की वैल्यू है इसके क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। और किस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 8x इक्वल टू 1 पे क्या है मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखते हैं 13 क्वेश्चन को, देखते हैं 13 क्वेश्चन को, हम यहाँ पे 13 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 13 क्वेश्चन को यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बोलिए बताइए 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे क्या चेक करना है, फंक्शन जो है वो क्या है, x प्लस 5 इफ, यदि x से 1 से छोटा हो और 1 के इक्वल हो तो मेरे फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है, यदि 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा हो तो x की वैल्यू, जब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब इसे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है तो बताया क्या होगा, तो किस पे चेक करते हैं, इसकी हम चेक करेंगे पहले 1 पे, लेट 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू 1 पे बताओ, जब x इक्वल टू 1 हो तो fx जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1, fx जो होगा x प्लस 5 के इक्वल होगा, तो जब यहाँ पे 1 होगा क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 यानी 6 हो जाएगा, f1 यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का सेंस क्या हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू इस पे हम निकाल दें 1 माइनस पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और यहां पे क्या होगा, x प्लस 5 यानी बताइए 1 प्लस 5 हो जाएगा और यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब यदि इसी का राइट हैंड लिमिट निकाल लो तो क्या होगा, x 1 प्लस एफ एक्स। अब फिर बताओ जब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x प्लस, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, x माइनस 5 यानी 1 माइनस 5 यानी यहाँ पे माइनस 4। तुम क्या देख पा रहे हो, तीनों इक्वल है, जी नहीं, तुम्हारा जो फंक्शन है, तुम्हारा जो फंक्शन है यानी एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स और
इक्वल टू इक्वल है बोलो, नहीं है, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है ना यार, और यही तुम्हारा क्या हो जाता है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, सो इट्स फंक्शन एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे, यस एक्स इक्वल टू वन पे मेरा क्या है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो किस पे पहले आप चेक करो, तो हम चेक करेंगे वन और थ्री पे, वन और थ्री पे मेरा फंक्शन क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो वन और थ्री पे चेक कीजिए, पहले नंबर हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन पे, इस पे हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू वन पे। जब आप वन पे चेक कर रहे होगे तो एक्स इक्वल टू वन इसके एक्स इक्वल टू वन के बराबर होगा तुम्हारा तीन, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा तुम्हारा थ्री हो जाएगा, और जब आप वन रखोगे तो तुम्हारा भी यहाँ पे भी थ्री आएगा। दूसरा देखो, जब इसी का तुम क्या निकालोगे, इसी का पहले लेफ्ट हैंड लेंगे निकालोगे, तो यहाँ पे वन माइनस, और जब वन से क्या हो छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू किसमें जा रहा है, तो फंक्शन तुम्हारा जा रहा है थ्री को, फंक्शन की वैल्यू किसको जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू जा रहा है थ्री को, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी तुम्हारा थ्री हो जाएगी। फिर बताओ लिमिट, जब तुम चेक करोगे वन प्लस पे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, जब वन प्लस यानी जब एक से क्या हो बड़ा हो, और जब भी एक से तुम्हारा बड़ा हो, एक से बड़ा यानी यहाँ पे थ्री है, तो थ्री से बड़ा और वन से देखो यार एक से बड़ा कहाँ जा रहा है फंक्शन तुम्हारा, इसमें जा रहा है, किसमें सेकंड, तो क्या होगा बोलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस यानी फोर, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर आ जाएगा। तुम इसमें क्या देख रहे हो कि एक्स इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू वन पे तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चेक करो, तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्यों, क्योंकि अब चेक करो ये यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो नहीं, तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स, और फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स पे, देखो यार ये और ये दोनों बराबर है बट ये मेरा क्या है इक्वल नहीं है, तो हमारा सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट इक्वल एक्स इक्वल टू वन पे। अब देखो यार अब थ्री पे चेक करते हैं, अब हम किस पे चेक करते हैं थ्री पे जब चेक करोगे तो बोलो थ्री पे हम चेक करते हैं कि थ्री पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो एट एक्स इक्वल टू हम थ्री ले रहे हैं, x इक्वल टू जब हम थ्री ले रहे हैं, जब x इक्वल टू आप थ्री लोगे तो x इक्वल टू थ्री पे तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, x इक्वल टू थ्री के कौन है इक्वल, तो तुम्हारा क्या है फाइव है ना यार, फाइव x इक्वल टू थ्री कौन इक्वल होगा तुम्हारा फाइव होगा, क्यों, तो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा फाइव यानी जब थ्री रखोगे तुम्हारा फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब इसी का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करो, तो यहाँ पे क्या चेक करोगे थ्री माइनस यानी तीन से छोटा फंक्शन की वैल्यू यानी थ्री से कम किसमें जा रहा है फोर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर, तो बोलो तीन से कम में तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रहा है फोर हो जा रहा है। फिर बताओ थ्री प्लस यानी जब तीन से प्लस में जा रहे हैं यानी थ्री से अधिक में, तो अधिक में और इक्वल में फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जा रहा है फाइव, तो फंक्शन की वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। तुम क्या देख रहे हो जो फंक्शन है यानी एफ एक्स है इक्वल टू किसके है लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे लिख लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस एफ एक्स क्या है इक्वल है
देखो भैया, ये और ये इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो यार, तुमने क्या देखा कि तीनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सो इट्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू 3 पे। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दो ही फंक्शन पे चेक करना है, एक जीरो पे एक वन पे। तो जब एट एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो किसके बराबर है? जीरो। अरे यार बोलेंगे, यदि हम एफ इक्वल टू जीरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो। यदि हम यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसका निकाल लो, ऐसा करो इसका जीरो यानी जीरो माइनस यानी जीरो से कम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x। फिर बताओ, तो 2 × 0 यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यदि हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालो तो 2+, तो फंक्शन, अच्छा ध्यान दे, फंक्शन 2 से सॉरी यार, यहाँ पे 0+ है ना, यानी 0 से अधिक है। देखो यार, 0 से अधिक यानी 1 से अधिक है, यानी इसी में जाएगा तुम्हारा फंक्शन, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कि 0 हो जा रहा है, यानी जो फंक्शन है fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और लिमिट x टेंडिंग टू 0+ fx, यानी तीनों के तीनों क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा सो इट्स फंक्शन यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 0 पे, मेरा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब देखते हैं इसी का जब आप 1 पे चेक करोगे, 8x इक्वल टू 1, जब आप 1 पे चेक करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो f 1, 1 पे जब आप चेक करोगे, जब 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है? 0। तो f 1 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से चेक करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, फंक्शन जो होगा यदि 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तभी यहाँ पे लिमिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। भाई इसकी वैल्यू यहाँ पे तुम क्या रखोगे? 0 ही तो रखोगे यार, 1 से कम के लिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी तुम्हारा 0 होगी। फिर बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ fx, यानी जब 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? बोलो, जब 1+ हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू तुम्हारा 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जा रहा है। क्या तुम्हारा फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, या सभी जगह फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1+ fx पे मेरा क्या है? इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन? तो इट्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 1 पे। हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा 8x इक्वल टू 1 पे। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 को, कि 16 क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखने के लिए, हम जब आप इसका सॉल्यूशन डालोगे, सॉल्यूशन बोलो बाबू, तो हम किस किस पे चेक कर रहे होंगे फंक्शन? -1 पे और 1 पे। बोलो बाबू, जब 8x इक्वल टू जब -1 हो, 8x इक्वल टू जब -1 हो यहाँ पे, तो बोलो जब 8x इक्वल टू -1 पे आप चेक करोगे तो फंक्शन यानी fx x इक्वल टू 1 पे क्या हो जा रहा है? तो -2 हो जा रहा है। तो -1 पे तुम्हारा माइनस, यहाँ पे 2, -2। फिर बताओ, यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस माइनस 1 माइनस, ठीक है, -1 है यार, -1 पे आप चेक कर रहे हो ना, तो जब इससे इक्वल हो और -1 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? -1 को जा रही है। तो -1 को जा रही है यानी फंक्शन वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब फिर बताओ, जब तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव होगी तो फंक्शन की वैल्यू यानी -1 से अधिक
तुम्हारा किस में जा रहा है? माइनस वन से, हाँ जब माइनस वन से अधिक, माइनस वन से अधिक किस में जाएगा? तो इसमें जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? टू एक्स। फिर यहाँ पे रखिए टू इंटू माइनस वन यानी माइनस टू। तो देख रहे होंगे कि जो फंक्शन है तीनों के तीनों इक्वल है, यानी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन के पावर माइनस वन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एफ एक्स। और फिर बताइए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, और तीनों के तीनों आप क्या देख रहे हैं इक्वल है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं तुम्हारा किस पे, एट एक्स इक्वल टू वन पे, एक्स इक्वल टू वन पे। बोलो बाबू, तो तुम्हारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स होगा वो एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? तो दो एक्स हो जा रही है। जब आप यहाँ पे वन रखोगे दो इंटू वन यानी टू आ जाएगा। बताओ लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जब इसका, यानी जब वन से कम, इस पे जा रहा है दो एक्स पे, यानी फंक्शन कहाँ पे जाएगा? इस पे जाएगा। बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो इंटू वन यानी टू आ जाएगा। फिर बताओ कि जब फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस हो, यानी राइट हैंड फंक्शन भी इसका निकालोगे तो क्या आ जाना है? दो आ जाना है इस पे, यानी डायरेक्ट दो लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लिमिट, अरे यार सॉरी, एफ एक्स जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, तीनों के तीनों यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि इक्वल है। तो सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे भी मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, यानी माइनस वन और वन पे दोनों पे यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। चेक करते हैं हम 17 क्वेश्चन, यही है। इस पे चेक करने के लिए बोल रहा है कि 8 एक्स इक्वल टू 3 पे बताओ कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यही तुम्हें क्या करना है इसमें चेक करना है। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं देखते हैं। बोलो जब फंक्शन यानी एफ एक्स तुम्हारा, पहले ऐसे लिख लो एट एक्स इक्वल टू थ्री पे, एट एक्स इक्वल टू थ्री पे तुम्हारा क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो क्या होगा, एट तो यहां पे फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू, बताओ बाबू तुम्हारा जब देखोगे एक्स इक्वल टू थ्री पे तो फंक्शन यहां को जाएगा, तो एक्स प्लस वन को जाएगा। जब आप थ्री रखोगे तो क्या होगा? थ्री ए प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहीं पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वन थ्री माइनस पे फंक्शन कहां को जाएगा? बोलो तो फंक्शन तीन से कम कहां को जाएगा? तो इसी में फंक्शन जाएगा। तो बोलो क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी यानी वन, यानी ए प्लस थ्री ए इंटू थ्री और यहाँ पे यहाँ थ्री ए प्लस वन हो जाएगा। इसी तरह से हम किसमें चेक करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस एफ एक्स, बोलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस, और जब थ्री से अधिक हो जाएगा तो फंक्शन कहाँ को जाएगा? तो यहाँ को जाएगा। बोलो तो b इंटू थ्री प्लस थ्री यानी थ्री बी प्लस यहाँ पे थ्री आपका हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है ये यानी तीनों की वैल्यू जो होगी यानी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस और यहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू किसके है? एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस एफ एक्स के इक्वल नहीं है। फिर बताओ तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है? तो नहीं। तो सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, एक पॉइंट और लिखा है जी,
बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच रिलेशन भी बताना है। तो इसका एक रिलेशन बता दीजिए, इसका एक रिलेशन क्या होगा। यदि एक इसका रिलेशन बता दीजिए, रिलेशन क्या होगा, जब आप जैसे 3a प्लस 1 है इक्वल टू 3a प्लस 1 है और यहाँ पे 3b प्लस 3 है, क्या करते हैं इसको इसको ले लेते हैं, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 बोलिए, तो यहाँ पे 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, यहाँ पे 3b और प्लस 2 हो जाएगा। तो a और b के बीच की रिलेशन यदि तुम ऐसे चेक करो तो यह भी हो सकता है। और आंसर में आपका क्या दिया है ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ये आपका आंसर में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है। तो हम इसको देखना 5.1 का 17 यही दिया है, बस इसको अलग अलग कर दिया है। तो इसका रिलेशन भी यहाँ पे बताना है, तो आप इसको ऐसे कुछ आंसर में लिखा है आपका 3b/3 और प्लस 2/3, हो सकता है यार आराम से, तो यहाँ पे b प्लस 2/3 और a की वैल्यू कुछ यहाँ पे ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इस भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोलिए क्या होगा जब आप इसको चेक करोगे। चेक कर, तो जैसे ही तुम चेक करोगे x इक्वल टू जीरो पे, 8 x इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा बोलो, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा। और जब तुम जीरो रखोगे तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे भी तुम जीरो रखोगे तो जीरो में से जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू तुम्हारा क्या आ जा रही है। इसी तरह से चेक करते हैं जब जीरो प्लस पे यानी माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट यदि इसका निकालोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, माइनस, यदि तो फंक्शन इसको अप्रोच करेगा तो तुम देख रहे होगे कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो में यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x स्क्वायर माइनस 2x, और x के जगह पे फिर वही काम जीरो आप रखोगे तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यदि इसका फिर से लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस fx हो जाएगा, फिर बताओ यदि जीरो से अधिक होगा तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ को जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू तुम्हारा कहाँ को जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 को जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तुमने क्या देखा, क्या देखे भैया आपने, यहाँ पे भी फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो क्या लिखोगे कि fx इक्वल टू इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं कि fx इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो था अब राइट हैंड लिमिट पे भी क्या है, फंक्शन तीनों के तीनों डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी एफ एक्स सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस 8x इक्वल टू जीरो, जीरो पे भी तुम्हारा क्या हो जा रहा है, फंक्शन यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम 1 पे चेक कर लेते हैं, किस पे चेक कर लेते हैं, 1 पे, बोलो भैया 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, इससे 0 से बड़ा सब इसी में जाएगा तुम्हारा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 4x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा एफ 1 यानी 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी तुम्हारा 5 हो जाएगा। फिर बताओ, फिर इसी तरह से इसका निकालो 1 माइनस पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा वही हो जाएगा 4x प्लस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस यानी 4 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे भी तुम देखोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारा 5 आएगा। फिर बताओ लिमिट
एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, फिर बताओ इसमें भी तुम जाओगे तो तुम्हारा फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, तो वन प्लस को ही, यानी फोर एक्स प्लस वन, यानी फोर इंटू वन प्लस वन, यानी तुम्हारा फाइव ही हो जाएगा। इसमें तो तीनों इक्वल हैं जी, वन पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लिख दो कि एट, सो इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। और देखिए एक चीज समझिए कि जो तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन है, चेक 2x प्लस 3 है, बोला है कि 8x इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये 8x इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, ये क्या होगा तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर दिया है, यह भी क्या होगा, जीरो पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तुम बता सकते हो। चलो यार फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें और इसके कमी को बताएं मुझे कि यहाँ पे कमी हो रहा है, इसको सही कीजिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, सही करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या हो सके, गलत ना हो सके। ओके।